बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था BSHP 1 और BSHP 2 की सड़कों का रेखांकन कर उसका निर्माण करवाना। कुछ ही समय में बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक कुशल संस्थान के रूप में गिनती होने लगी। कई चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट जैसे कि गंगा पथ, दीघा एम्स एलिवेटेड कॉरिडोर की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिस पर कार्य त्वरित गति से चल रहा है। बिहार में आधारभूत संरचना के विकास में सड़कें व्यापक तौर पर बनाई गई। आज बिहार की सड़कें राष्ट्रीय मानकों का पर्याय बन गई हैं। इससे बहुत फायदे हुए हैं स्थानीय लोगों को, इस रोड से जुड़े हुए लोगों को। पूर्व में हमारे यहाँ कोई स्थानीय चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। रोग की गंभीर अवस्था में हम लोगों को गया ले जाना होता था, रोगियों को पहुँचने में देर होती थी, गया तक पहुँचने में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने में, और कभी कभी ऐसा हुआ कि रास्ते में ही गंभीर रोगियों की मौत हो गई रास्ते में ही। अब चूंकि कम समय में हम लोग दूरी गया तक की तय कर लेते हैं तो उनको बचाने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरी, विद्यार्थियों का विभिन्न परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में सेंटर नियरेस्ट रहता है छात्राओं का या और विद्यार्थियों का, तो सेंटर तक, परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में उनको बिफोर निकलना पड़ता था, बहुत पहले निकलना पड़ता था, और अब सही समय से वो निकलते हैं और उनके समय की बचत होती है। आज इस बदलाव की चर्चा देश एवं विदेशों में भी होती है। आज एम्बुलेंस वगैरह सारे चीज है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करने पर वो आ जाते हैं, पब्लिक को सुविधा मिलती है इसे। मगर ऐसी कायापलट हुई कैसे? इस कायापलट के पीछे माननीय मुख्यमंत्री की सोच थी। विकास सही मायने में तभी होगी जब आधारभूत संरचना को दुरुस्त किया जाएगा, खासकर सड़कों और पुलों की व्यवस्था को सुदृढ़ करना। पहले पहल व्यापक तौर पर सड़कें बनाई गई। इसके बाद संकल्प आया कि किसी भी सुदूर क्षेत्र से पटना राजधानी पहुंचने में मात्र 6 घंटे लगे। जब इस लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई तो उन्होंने मानक को ऊंचा करते हुए 5 घंटे का लक्ष्य रखा। मेरी एक अभिलाषा थी और वो हमने आप लोगों के लिए मिशन के रूप में कहा था कि बिहार के किसी दूर दराज के गांव से पटना पहुंचने में 6 घंटे से कम समय लगना चाहिए, तो वो तो पहले का कंसेप्ट है। अब तो उसको घटाने का वक्त आ रहा है, लक्ष्य कम से कम 5 घंटा कि बिहार के किसी कोने से हम 5 घंटे में पहुंचे। नवंबर 2015 में नई सरकार के गठन के बाद माननीय उप मुख्यमंत्री एवं पथ निर्माण विभाग के मंत्री श्री तेजस्वी यादव ने बिहार के सड़कों के उन्नयन के लिए विजन 2020 की परिकल्पना की। विजन 2020 का मुख्य अंश है बिहार में किसी भी दूरस्थ क्षेत्र से राजधानी पटना पहुंचने में किसी भी व्यक्ति को सड़क मार्ग से 5 घंटे लगे। राज्य की सभी राजकीय उच्च पथ कम से कम 2 लेन बने। सिंगल लेन MDR को इंटरमीडिएट लेन MDR में परिवर्तित किया जाए। पुरानी जर्जर हो चुकी स्क्रू पाइल पुलों को यथाशीघ्र RCC पुल में बदलना। नई तकनीक से निर्माण करना ताकि यात्रियों को आरामदायक सड़कों का एहसास हो। सभी राष्ट्रीय एवं राजकीय उच्च पथ को अन्य मार्गों से संपर्क पथ से जोड़ना तथा सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और व्यापारिक केंद्रों से संपर्क पथ बनाना। अब तो बदलाव हो गया कि अब तो कोई परम नाले नहीं है, जब मर्जी है तब यहां से कहीं भी निकल सकता है। बिहार में पुल काफी संख्या में बनाई गई और सड़कें भी व्यापक तौर पर बने, मगर समीक्षा करने पर पाया गया कि कई जगहें ऐसी हैं जहां पर छोटे से संपर्क पथ नहीं होने के कारण लोगों को लंबी यात्रा करनी पड़ती है। कहीं पर राजकीय उच्च पथ यह राष्ट्रीय उच्च पथ है मगर चौड़ाई कम होने की वजह से ट्रैफिक बाधित रहती है। इसके चौड़ीकरण से वहां पर ट्रैफिक सुचारू हो जाएगी। हम इसी तरह की कुछ सड़कों और आंकड़ों को देख रहे हैं। प्रमुख सड़कों से बेहतर संपर्क बनाने के लिए कई सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। कई वृहद पुल बनकर तैयार हो जाएंगे तब उनका भी बेहतर यातायात और संपर्क बनाने में अहम योगदान होगा। कई राजकीय उच्च पथ भी चौड़ीकरण की लिस्ट में है जिस पर कार्य प्रगति पर है।
सिंगल लेन MDR को भी इंटरमीडिएट लेन में चौड़ा कर दिया जाएगा। साथ ही कई पुल बनाने का भी प्रस्ताव है, जिस पर करीब 714 करोड़ रुपए का व्यय होगा। विजन 2020 को साकार करने के लिए करीब 4820 करोड़ रुपए का प्रावधान साल 2015-16 में किया गया है, जिसका प्रमुख हिस्सा व्यय किया जा चुका है। इसका असर है कि 957 किलोमीटर रोड और 77 पुल इस साल में बन चुके हैं। विजन 2020 की परिकल्पना पूर्ण होने से न सिर्फ एक जगह दूसरे जगह से जुड़ जाएगा, वरन संपर्क पथों के बनने से हर एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जुड़ जाएगा। कुछ जगहों पर फुटपाथ, ट्रैफिक लाइट तथा अन्य नई तकनीक का इस्तेमाल कर यातायात को और सुचारू किया जा सकता है। यही सोच थी माननीय उप मुख्यमंत्री के विजन 2020 के पीछे कि पूरे बिहार में सड़कों और पुलों का संजाल बिछ रहा है, उसको व्यवस्थित किया जा सके, ताकि मुख्यमंत्री का लक्ष्य कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र से राजधानी पटना 5 घंटे में पहुंचा जा सके प्राप्त हो सकेगा। इसी रणनीति के तहत पथ निर्माण विभाग, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा पुल निर्माण निगम लिमिटेड काम कर रही है। जाने में 1 घंटा आधा घंटा से कम नहीं लगता था, अब दूरी के हिसाब से अब तो करमान मोड़ से चलेंगे तो गुरुवा में 15 मिनट तक पहुँच जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया में एशियन डेवलपमेंट बैंक की भूमिका भी अहम रही है। बिहार में सड़कों एवं पुलों के विकास में तकनीकी एवं आर्थिक रूप से उनका योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कार्य करने वाली संस्था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कार्य प्रणाली पर सकारात्मक टिप्पणी की है। परेशानी होती थी उस समय आदमी सिवान तक के, यहाँ तो हसनपुरा हमारा बाजार पे उतना अच्छा सहूलत नहीं है, जिसके वजह से हमको सिवान का ही रास्ता तय करना था, लेकिन जाते जाने में काफ़ी समय लगता था। एक अचानक हादसा हो गया आज से करीब 1.5 साल पहले, जिसको हम लोग हसनपुरा के डॉक्टर ने सिवान रेफर किया, वहाँ तक के पहुँचते पहुँचते रास्ते में गोपालपुर है, वहाँ एक आदमी दम तोड़ दिया। हम इसे एक छोटे से उदाहरण से बताना चाहेंगे। SH-74 जो हाजीपुर से शुरू होकर अरेराज तक जाती है, इस बीच बौद्ध महत्व का केसरिया स्तूप है, यहाँ पर्यटकों पहुँचने में काफी परेशानी होती थी। आज केसरिया पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पॉपुलर पर्यटन स्थल के रूप में एक है। पहले से तो यहाँ अभी बहुत सुरक्षित है, यहाँ की जनता जो भी है उनको सुविधा मिलता है। अब जाने आने में थोड़ा तकलीफ कम होती है, पहले बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए हम तो एम्बुलेंस चालक हैं और सिवान रेफर होता है तो जाने में थोड़ा बहुत कम समय अब लगता है। निकट भविष्य में कई योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जिसका असर प्रदेश के विकास में अहम होगा। माननीय मुख्यमंत्री का सपना कि दूरस्थ क्षेत्र से भी लोग 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंच जाएं भी पूरी हो जाएगी। इसमें बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट के कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा के बारे में भी कहना जरूरी है, जिसकी बदौलत आज बिहार में इतने वृहद तौर पर अच्छी गुणवत्ता वाले सड़क बनकर तैयार हो गई है। पहला दिक्कत तो शिक्षा में था, जो कि पहले और आज में बहुत अंतर है सर। पहले इस बाईपास में एक भी स्कूल नहीं हुआ करते थे, और अभी जाइएगा तो खाली स्कूल पर स्कूल नजर आएंगे। अभी इस रोड में तकरीबन 10 स्कूल है जो पहले नहीं हुआ करते थे। ये रोड का देन है कि इतना स्कूल शिक्षा में इतना गुणवत्ता ये रोड के चलते आई है। सड़कें मनुष्य के शरीर में धमनियां में बहते रक्त की तरह होती हैं, इसे हम लाइफलाइन की भी संज्ञा दे सकते हैं। विजन 2020 को अपने लक्षित ध्येय तक पहुंचाने में पथ निर्माण विभाग एवं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन संकल्पित है।